फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ब्लूटूथ हेडफोन को अपने फ़ोन से कैसे पेयर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये IQ का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपने ब्लूटूथ वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपका ऑन है तो ऑन ही रहने दें और ऑफ़ है तो ऑन कर लीजिए। और उसके बाद अपना ब्लूटूथ हेडफोन ऑन करना है। ये देखिए जिस तरीके से ये मैंने कर दिया है। करने के बाद ये आप देख सकते हैं मेरा बोट का है, तो यहाँ पर भी बोट का शो करेगा। अगर शो नहीं करता है तो पेयर न्यू डिवाइस पर क्लिक करेंगे। पेयर न्यू डिवाइस क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ये ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बोट का दिखाई देगा। जैसे कि मेरा बोट का है ब्लूटूथ हेडफोन, तो यहाँ पर वो शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपका ये पेयर हो जाएगा, जो कि ब्लूटूथ हेडफोन है वो कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हो गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।